विश्वविद्यालय में 3 बार आक्रमण हुआ था, किंतु सबसे विनाशकारी आक्रमण 1193 में हुआ था बख्तियार खिलजी के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, किंतु इसको केवल 2 बार ही पुनः निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिरपुर के तहत ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और इसे एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में बौद्ध दास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के एक तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कर दिया था? उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया और एक बार वह काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से बहुत इलाज करवाया, परंतु वह ठीक न हो सका और मरणासन्न स्थिति तक पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र को दिखाए, परंतु खिलजी यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा काबिल है, किंतु अपनी जान बचाने के लिए उसको वैद्य आचार्य श्री भद्र को बुलवाना पड़ा। खिलजी ने वैद्य राज के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी कि वो उनके द्वारा दी गई कोई भी दवाई नहीं खाएगा, वो उसको बिना दवाई खिलाए ही ठीक कर दे, और वैद्य राज ने उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद उसको एक कुरान देते हुए बोले कि पृष्ठ संख्या यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ऐसा करने से वह ठीक भी हो गया, क्योंकि राहुल श्री भद्र ने कुरान के कुछ पन्नों में दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता गया। खिलजी इस तथ्य से ज्यादा परेशान था कि भारतीय विद्वान और शिक्षक को उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। तभी उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद को जड़ से नष्ट करने का फैसला लिया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग कई लाख पुस्तकों और 9 लाख पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी।